ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई यार सुन ले यार। अबे भाई यार तो बता दे यार, मैडम फेल कर दी। प्लीज़ यार प्लीज़ बता दे यार। साले पढ़ के क्यों नहीं आया तू, मुझे तंग कर जा रहा है। टीचर देख ले ना। अबे क्या कर रहे हो तुम दोनों, टीचर ने देख लिया तो क्लासरूम से बाहर निकाल देंगी। अगर तुझे कुछ नहीं आता तो मैप ही भर ले। अबे मैप, ये ज्योग्राफी का पेपर है क्या, इसमें मैप भी है? अरे तू घर पे कर क्या रहा था, तुझे पता नहीं था आज एग्जाम में? अबे भाई कल ना माता का जगराता था, मैं भजन गा रहा था, गा के सुनो। पे काम कर भजन ही लिख ले, इस वाली माता का पता नहीं, क्या पता वो वाली माता पास ही करा ले। ओह नो, क्या हो रहा है क्लास में, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैम पास सीट दे दो। क्यों हिला डाला ना? पांच भर ली, मैं तो पांच पेज भी नहीं करे अभी। मैम थ्रेड दे दो, शीट बननी है। तूने तो सीट भी नहीं ली और मैप भी नहीं भरा, तो थ्रेड का करेगा क्या? मुंह में चबा के पूरे स्कूल में घूमूंगा, तुझे कोई दिक्कत? टाइम ओवर बच्चों, अपने अपने शीट दे दो। अरे हाँ मैम ले लो सीट, मेरा तो पेपर एक घंटे पहले ही खत्म हो गया था। मैम नहीं मैम, नहीं मैम। ओए सुन, बहुत शैल चीज है तू, तूने कहा था कि सब दिखा दूंगा और तूने कुछ भी नहीं दिखाया मुझे। चल निकल। बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? मजा आ गया। तू गोभी के पराठे लाया और तू मेथी के रूमी के, तो हाथ से मैंने बहुत बार खाया। Oh no! सुनो Bang. मम्मी को बोलना पनीर के पराठे में नमक कम है और अगली बार कस्तूरी मेथी भी डाल। तू बता। हाँ सर मुझे पता है, पानीपत की लड़ाई सर्दियों में हुई थी। सर्दियों में? अबे क्या बोल रहा है? हाँ सर जी मुझे अच्छे से याद है, मेरे चाचा ने बताया था उस दिन ना, मैं भैंस के बछड़ा गया था। अच्छा तो तू ये कहना चाह रहा है जब पानीपत की लड़ाई थी तेरी भैंस ने बछड़ा दिया था? हाँ सर जी ये सच बोल रहा है, जब इसके भैंस का बछड़ा हुआ था ना, मेरा फूफा भी गया था देखने। अच्छा चल ठीक है। अच्छा तू बता पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सर दूसरी लड़ाई जब इसकी भैंस ने दूसरा बछड़ा दिया था ना, तब हुई थी। चलो बाहर जाके मुर्गा बनो। Oh no. और तू मुर्गी बनियो। ओए रुको तुम तीनों, अगली बार दो पराठे एक्स्ट्रा लाना। अब निकलो चलो। यार तू ये पहले टीचर को चुप करा, कब से बकबक कर जा रही है? और कुछ करूँ मैं?
यार कितना प्यार करती है तुम उससे, कितना ख्याल रखती है मेरा। यार एक काम कर दे, एक गद्दा और बिछवा दे। क्या हो रही है मेरी क्लास में? कुछ नहीं मैम। नींद पूरी हो गई ना? चलो क्लास से बाहर जाओ। नहीं नहीं मैम, मैं सो थोड़ी रही थी, मेरा तो पूरा पूरा ध्यान था क्लास में। अच्छा चलो बताओ क्या क्या पढ़ा है हमने अभी क्लास में। हाँ मैम पूछ लो। अच्छा तो चलो बताओ, हम जो भी चीज़ आसमान की तरफ फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है? ये तो बहुत ईजी है मैम, आपको नहीं पता? नहीं नहीं पता मुझे, बताओ तुम। अरे मैम बहुत ईजी है, जब आसमान में कोई कैच करने वाला नहीं होता ना, इसीलिए वो चीज़ ज़मीन पे आ जाती है। ये भगवान, मैं क्यों पढ़ाने आई इन क्लास में? मैं तुम सबके पेरेंट्स को शिकायत करूंगी। तुझे वो टीचर अच्छी लगती थी ना, क्या हुआ उसका? ये टीचर तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मम्मी नहीं मानेगी। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे हमारे घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है। ओए तुम दोनों यहाँ पे झूला झूल रहे हो, वहाँ साइंस वालों की और कॉमर्स वालों की लड़ाई हो रही है। क्या साइंस वालों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? तो फाड़ के रख देंगे इस बार। चलो बताते हैं साइंस वालों को। अबे इधर नहीं, इधर चल। हेलो, तुम्हारी औकात क्या कॉमर्स वालों के आगे? ताले तेरी क्या होता है हम सबके सामने हैं? ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया मेरे को भाई, थोड़ा कन्वर्ट कर देना। अबे साले तूने हमारी ना हर जगह बेइज्जती करा रखी है, चल पीछे इधर आ। अबे साले तू अकेला हो गए, हम चारों के सामने इतना चौड़ा हो रहा है। अबे वो देख, वो हमारी क्लास के लड़के को मार रहा है, चलो जल्दी उनको तो हम सबक सिखाते हैं। एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। क्लास का नीरज लग रहा है ना? हाँ यार मुझे भी लग रहा है। तो ये मार क्यों खा रहा है? अबे पागल, क्योंकि जुनैद उसे मार रहा है। अबे पागल, जुनैद भी तो अपनी क्लास का है, तो फिर वो नीरज को क्यों मार रहा है? नहीं वो तो उससे पूछना, मुझसे क्यों पूछ रही है? जुनैद तू इसको क्यों मार रहा है? अरे तुमने ही तो कहा है मारने के लिए। अबे पागल, इसको नहीं इनको मारना है, ये तो अपनी क्लास का नीरज है ना। हैं अपने क्लास का नीरज? ओ अरे यार नीरज, तू पहले से बता नहीं सकता था, तब से पिटे जा रहे, उठ। अरे साले अंधों की तरह मार रहा है, कैसे बताऊं? अबे यार हमारी लड़ाई उनसे हुई है, मैं तो तेरे साथ का हूँ कॉमर्स वाला। मैं कॉमर्स का हूँ? हम कॉमर्स के हैं। अरे तुम साइंस वालों ने ना नाक पे दम कर रखा है, देखो बेचारे को मार मार के क्या हालत बना दिया है इसका, खून निकल रहा है। हमने तो ही मारा है, तुमने ही तो मारा है। हैं क्या बोल रहे हैं? तुझे भी समझ नहीं आया ना? मुझे भी नहीं समझ आया, एक चीज़ भाई कन्वर्ट कर देना। वे भाई तूने खुद ही तो मारा है इसको।
बस बहुत हुआ, तुम्हें पता है ना मेरी बहुत स्कूल में इज्जत है, पता है कितने मुश्किलों से ये इज्जत कमाई है मैंने। ओए तू आज हरा पहन के आया है क्या? हैं? तुझे कैसे पता? अबे साले नीचे देख, तेरी इज्जत पड़ी है नीचे। Run. सालों बहुत बनते हो तुम साइंस वाले, स्कूल खत्म है ना फिर बाहर मिलते हैं। चलो बच्चों आप सबकी क्लास ओवर होती है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओह क्या हुआ तुम दोनों को, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम, आप पढ़ाते समय बहुत अच्छी लगती है। हाँ सच में मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम शिल्पा शेट्टी जैसी दिखती हो। शिल्पा शेट्टी तुम लड़को निकले इस क्लास से बाहर। हाँ मैम ये आपको बहुत पसंद करते हैं। हाँ मैम इन्हें मत निकालो। अच्छा इनके साथ साथ तुम भी बदतमीज होते जा रही हो? मैम हम तो बस इनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। क्यों अमीशा? ऐसा है तुम दोनों अपने बारे में सोचो और तुम दोनों बाहर निकल के जाके मुर्गा बनो। मैम फ्राई वाला बनना है या तंदूरी वाला? जा रहे हो नहीं जा रहे हो वरना ब्लॉक प्रिंसिपल को। पल पल दिल के पास मैडम रहती है। पल पल दिल के पास तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा देखो। सर सॉरी सर सॉरी सर सर सॉरी सर सॉरी सर सर प्लीज सॉरी सर। हे एवरीवन दिस साइड रॉकीज, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेज इंडिया एंड गाइस बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सेलिब्रिटी फेज के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेज की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेज की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।